जो अपनी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, और वो क्या था कि अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। चलो सर जी आपने ये तो बता दिया, अब ये तो पता चला अकाउंटिंग लाया कौन है। अब अकाउंटिंग की सबसे पहले से शुरुआत देखिए तो अकाउंटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो 7th century में ही हुई थी, मेसोपोटामिया में टाइम पर। तो उस वक्त जो लोग होते थे जब वहां ट्रेड स्टार्ट हुआ तो वो क्या करते थे, जब कुछ सामान परचेज किया या सेल किया तो वो दीवारों पर लिख लेते थे कि हाँ इतना परचेज किया है इतना सेल किया है। उस वक्त अकाउंटिंग जो सब थी वो दीवारों पर लिख लेते थे किसी भी चीज से। उसके बाद अगर इंडियन एपिक की बात करें तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र के ऊपर 10th century के आसपास पूरी किताब लिखी थी। और अगर रियल की जो आप पढ़ते हैं इसके ऊपर अगर इस अकाउंटिंग की बात करें तो ये अकाउंटिंग जो आपके लिए क्या है जिसे हम फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं जिन्हें, वो है आपके लूका पाशियोली। लूका पाशियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जो भी आज आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसके जो मेन धर्ता करता है वो आपके लूका पाशियोली है। लूका पाशियोली इटली के थे और एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे। अब उस वक्त इटली में और यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जब ट्रेड इतना ज्यादा बढ़ गया तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने इस अकाउंटिंग का याद किया। और उन्होंने जो भी आज की डेट तक जो भी उसको किया है वो आज भी वही अकाउंटिंग हम फॉलो करते हैं, आज की पूरी दुनिया वही अकाउंटिंग फॉलो करती है जो उन्होंने तभी दे दी थी। कब देनी थी, लूका पाशियोली ने अकाउंटिंग जो दी थी वो दी थी 1494 मतलब 1494 में दे दी थी। हाँ बस उस वक्त बचता जो लैंग्वेज थी जिसको उन्होंने लिखी थी वो थी इटालियन, और 16th century में उसको कन्वर्ट करके किसने लेके आ गए हम इंग्लिश में लेके आ गए। क्लियर होगी इतनी बात। तो सबसे पहले फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, लूका पाशियोली है, और लूका पाशियोली को ही फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है जिन्होंने 1494 में अकाउंटिंग की शुरुआत करवा दी थी और 16th century में उसको हमने कन्वर्ट कर लिया था इंग्लिश में। आज भी जो अकाउंटिंग का रूल फॉलो होता है जो आगे बढ़ोगे भी डेबिट और क्रेडिट का वो इन्होंने ही दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आज चलते हैं अपनी जो हमारा पॉइंट है, आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 1 डेफिनेशन की, अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन। देखिए अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई तो पूरी अकाउंटिंग समझ आ गई डेफिनेटली, क्योंकि पूरी 11th की अकाउंटिंग इसी डेफिनेशन पर टिकी है। तो इस डेफिनेशन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। ठीक, आर्ट किस चीज की आर्ट, अकाउंटिंग में मेजर में चार पॉइंट है, चार काम चार पॉइंट में काम होता है। सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं वो भी देखेंगे क्या आइडेंटिफाई करना है। देन रिकॉर्डिंग, उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासिफाइंग करते हैं एंड देन समराइज करते हैं। तो अकाउंटिंग में चार काम होते हैं मुद्दे के, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें क्या काम होते हैं, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना है, समराइज करना। कितनी बार समझ में आ गई। अब सबसे पहला पॉइंट है आपका आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई क्या करना है। सबसे पहले ये जाना जरूरी है अकाउंटिंग में अकाउंट होती है, सबसे पहला जो इवेंट होता है अकाउंटिंग में उसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होती है, एनी एक्टिविटी इन दी बिजनेस, आपके बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी हो रही है दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शन। जैसे कि आपने गुड्स परचेज करे फॉर रुपीज 10,000, ये ट्रांजेक्शन हुई। आपने गुड्स सेल कर दिए फॉर रुपीज 5,000, ये भी एक ट्रांजेक्शन हुई। यू हैव पेड अ सैलरी ऑफ रुपीज 2,000 टू योर एम्प्लॉई, तो ये भी आपकी क्या होगी, ट्रांजेक्शन होगी। आपके सेल्स मैनेजर में और परचेज मैनेजर में कंफ्लिक्ट हो गया, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। आपके एम्प्लॉई स्ट्राइक पर चले गए, ट्रांजेक्शन है। तो अकाउंटिंग में आपके बिजनेस में अगर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, वो हम क्या मान लेते हैं, ट्रांजेक्शन मान लेते हैं। अब ट्रांजेक्शन होती है दो तरह की, एक तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और एक होगी आपकी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना क्या है, आइडेंटिफाई ये करना है कि जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन तो पता चल गया कि बिजनेस में कुछ भी हो रहा है तो क्या हो जाएगी, ट्रांजेक्शन हो जाएगी। आइडेंटिफाई ये करना है कि उसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और कौन सी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। अब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में क्या फर्क है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होगी जिसमें मनी इन्वॉल्व होगी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होगी जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपको कहा आपने गुड्स परचेस करे फॉर रुपीज 10,000, तो रुपीज 10,000 आ रहे हैं तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। आपने गुड्स सोल्ड करे फॉर रुपीज 5,000,
अब आपने बेची है गुड्स 5000 रुपए के, तो इसमें भी 5000 रुपए आ रहे हैं, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। आपने अपने एम्प्लॉई को सैलरी दी 2000 रुपए, ये भी क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। आपके परचेज मैनेजर और सेल्स मैनेजर में कंफ्लिक्ट हो गए, ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसमें कोई पैसा नहीं आ रहा है। आपके एम्प्लॉई स्ट्राइक पे चले गए, कोई पैसा नहीं आ रहा है, ये भी आपकी क्या हो जाती है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो ट्रांजेक्शन क्या होती है, एनी एक्टिविटी इन दी बिजनेस, और वो दो तरह की होती है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। आपको आइडेंटिफाई करना होता है, सबसे पहले अकाउंटिंग का सबसे पहला काम ही होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन सी फाइनेंशियल है कौन सी नॉन फाइनेंशियल है। क्लियर होने की बात, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी जिसमें मनी आ रही है, और नॉन फाइनेंशियल होगी जिसमें मनी नहीं आ रही है। जिन ट्रांजेक्शन में मनी आ रही है वो फाइनेंशियल है, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, नो मनी इन्वॉल्व, वो आपकी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाती है। इतनी बात क्लियर होगी, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपका काम क्या है, रिकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है, सिर्फ और सिर्फ केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हमारी अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, ये वाली रिकॉर्ड नहीं होती है। इसीलिए सबसे पहले हमने क्या कहा, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी फाइनेंशियल है कौन सी नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, ये वाली होगी नहीं, ये वाली होगी। चलो हमने जी आइडेंटिफाई कर लिया, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम, अब रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कौन सी ट्रांजेक्शन बनी है, सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की। अच्छा जी, रिकॉर्ड क्या होनी है, रिकॉर्ड जैसे आप जब स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर ने पढ़ा दिया, कहां लिखे कॉपी में, तो ऐसी जो ट्रांजेक्शन होगी वो आपका जो बिजनेस नाम कहां लिखेगा, किसी बुक में लिखेगा, उस बुक का नाम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों नाम है इसका, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्ड होगी। जब भी आपकी ट्रांजेक्शन जहां पर पहली बार रिकॉर्ड हो रही है उसे बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि वहां ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड हुई है पहली बार हुई है। अब ओरिजिनल एंट्री की दो बुक है, सबसे पहले जनरल या दूसरी आपकी सब्सिडरी बुक, दोनों में से कहीं भी रिकॉर्ड हो जाती है, ये अलग अलग पूरे चैप्टर है, हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन सी ट्रांजेक्शन यहाँ आएगी और कौन सी यहाँ आएगी। अब इतनी बात क्लियर होगी कि हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, कौन सी बुक्स में करनी है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री करनी है, और वो दो तरह की होती है, जनरल और सब्सिडरी बुक। मतलब जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी आपकी ओरिजिनल बुक में वो तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, दोनों में से एक ही जगह होती है, दोनों जगह नहीं होती है। इतनी बात क्लियर होगी, चलो जी हमने रिकॉर्डिंग भी करी। अब एक साल में बिजनेसमैन तो कितनी सारी ट्रांजेक्शन करता है, आप फ्लिपकार्ट अमेजोन को ले लो, 1 लाख में कई, एक साल में कई लाख और करोड़ ट्रांजेक्शन करते हैं, तो चलो नया रिकॉर्ड कर दें। अब ये मालिकों को पकड़ा के तुम्हारे एंड यूजर से वो समझ जाएंगे इससे नहीं, अब इसको और छोटा करना पड़ेगा। इसको और छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई में क्या काम होता है, इसमें से जितनी भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन होंगी, जितनी भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन होंगी, जैसे परचेज की सारी, सेल की सारी, एक्सपेंस की सारी, वो सारी हम एक अलग से सेपरेट बुक में डाल देते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, लेजर। कहाँ पोस्ट कर दिया आपने सारी एंट्री, लेजर में। इन दोनों से सारी एंट्री उठा के आपने कहाँ पर पोस्ट कर दिया उसको, लेजर में। लेजर में सिर्फ एक लेजर में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, इसमें से वही एंट्री रिकॉर्ड होती है जो सिमिलर नेचर की होगी। हर एंट्री में अलग से लेजर बनता है जो डिफरेंट नेचर की है। चलो जी, अब आपने क्लासिफाई कर दिया, अब इसके बाद क्या करना है, अभी भी ये तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अभी इसको और छोटा करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लास्ट काम करते हैं समराइजिंग। क्या करते हैं, समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर टोटल में आपके 3 काम होते हैं। कितने काम होते हैं, 3 काम होते हैं। अब ये जो आप लेजर बनाए हैं, इन लेजर से क्या बनाएंगे हम, पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस का क्या काम होता है, ट्रायल बैलेंस का ये काम है बस ये चेक करना है कि आपने जो अकाउंटिंग करी है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, वो एकदम सही है, कोई गलती तो नहीं है उसमें। चलो जी, चेक हो गया। उसके बाद मेन मुद्दे के जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अकाउंटिंग इसकी हो रही है, ये जानने के लिए आपने कितना कमाया, कितना गवाया, कितने आपके एसेट्स हैं, कितने आपके सर पे कर्जा चला, और आपने कितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है। जैसे ही ट्रायल बैलेंस बन जाता है उसके बाद 2 स्टेटमेंट बनती है, जिसमें पहली स्टेटमेंट का नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या बताएगा, वर्ड से क्लियर हो रहा है, क्या बताएगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, पूरे साल पे आपने कितना कमाया, कितना गवाया। और बैलेंस शीट आपको 3 चीजें बताती है,
आपने पूरे साल में एसेट्स कितने बनाए, मानव संपत्ति, लायबिलिटी, कर्जा कितना चढ़ा आपके सर पे, और कैपिटल, आप कैपिटल क्या होती है, जो आपका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, ऑनर का जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, कैपिटल के नाम से। एक टाइम यहाँ पर भी क्लियर हो गया आपको कि जो पैसा ऑनर बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल के नाम से बुलाते हैं। तो टोटल में जो पूरी अकाउंटिंग हुई है वो सिक्वेंस वाइज यहाँ से चली यहाँ तक पहुंची। ठीक है, यहाँ आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जो कम्युनिकेट करने के लिए दो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो ये होते हैं। ये एक तरीके से समझ लीजिए ऐसे है कि आपकी पूरी अकाउंट की बुक है, आप अगर पूरी बुक किसी को ऐसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे कि इसमें कितने चैप्टर है, इसीलिए पूरी बुक को डिफरेंट चैप्टर्स में बांटा जाता है। उसके बाद उसको और छोटा करने के लिए फ्रंट पेज पे कंटेंट बना देते हैं। अब अगर आप कहीं बुक खरीदने जा रहे हैं, आप सिर्फ बुक का फर्स्ट पेज ओपन करेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा इसमें आपके वाले सारे चैप्टर्स हैं। ये तरीके से वही है, इतने सारे बड़े डाटा को, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन को हमने क्या करा, छोटे करते 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 दो पेज में लेके आ गए। ये सिर्फ दो पेज बने, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का, इन दोनों पेजेस में आपके बिजनेस का पूरे साल का चिट्ठा है। और सिर्फ यही आपको उसको कम्युनिकेट कर देना है ऑनर्स को, बैंक को, गवर्नमेंट को, एम्प्लॉइज को, कस्टमर को, बस ये दो पेज आपको देने उनको और वो समझ जाएंगे आपने पूरे साल में कितना कमाया कितना गवाया। इतनी बस समझ में आई, एक बार दोबारा से करते हैं। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। उस आर्ट में आपको चार काम करने हैं। सबसे पहला आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई क्या करना होता है, ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन क्या होती है, एनी एक्टिविटी इन दी बिजनेस। वो दो तरह की होती है, फाइनेंशियल नेचर, नॉन फाइनेंशियल नेचर। जिसमें पैसा आ रहा है फाइनेंशियल, जिसमें नहीं आ रहा वो नॉन फाइनेंशियल। रिकॉर्ड से कौन सी होगी, फाइनेंशियल। अच्छा आपके पास चल गया रिकॉर्ड होनी है, फाइनेंशियल कौन सी, जिसमें मनी आ रही है, जिसमें मनी नहीं आ रही, नॉन फाइनेंशियल। अच्छा रिकॉर्डिंग के लिए सिर्फ यही वाली ट्रांजेक्शन जाएंगी, रिकॉर्ड का होती है ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री है। अच्छा वो दो बुक्स हैं, या तो जनरल में या सबसेक्टरी में, दोनों में से एक जगह रिकॉर्ड होगी। ठीक, इसके बाद अब ये तो बहुत सारा डाटा हो गया, इसको और छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के लिए क्या बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं। तो जितनी भी इसमें सिमिलर नेचर की एंट्रीज होती हैं वो सब एक लेजर में उठा के डाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राम ने आपसे साल में 10 बार सामान लिया, तो आप एक राम का लेजर बनाएंगे और उसने साल में 10 बार जो सामान लिया उसकी सारी एंट्री उस लेजर में ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसा समझ आ गया। इसके बाद हम, ये भी बहुत ज्यादा डाटा है, इसको और छोटा करने के लिए क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज में सबसे पहले क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किससे बनता है, जितने आपने लेजर बनाए होंगे उन सबसे क्या बन जाता है, ट्रायल बैलेंस बन जाता है, टू चेक कि आपने जो अकाउंट बनाए सही है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हाँ जी, वो तो हमें पता चल गया है, चार काम किसको होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कौन से टर्म में, मनी के टर्म में। अब ये क्या मतलब है, अकाउंटिंग में जो भी चीज रिकॉर्ड होगी वो सिर्फ मनी टर्म में होगी, किसी और इवेंट में नहीं होगी। जैसे आपकी कंट्री में रुपी चलता है तो रुपी टर्म में, ना लीटर में, ना केजी में, किसी भी चीज में रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ मनी टर्म में रिकॉर्ड होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने अपने बिजनेस के लिए 10 किलो चीनी खरीदी, तो आप 10 किलो चीनी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उस चीनी का अमाउंट क्या 10 किलो का, सपोज आपने 400 रुपए में खरीदी है तो आप 400 रुपए रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 10 किलो रिकॉर्ड करेंगे। इतनी बात समझ आई। तो अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो किस टर्म में होती है, मनी की टर्म में होती है। ठीक, आगे चलो रिकॉर्ड, ये तो पता चल गया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है मनी की टर्म में होती है, और ये चार काम करने होते हैं। जब यहां तक पहुंच के इसके बाद कम्युनिकेट कर दे, नहीं अभी थोड़ा और काम बाकी है। अगला स्टेप होता है इसके बाद इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग क्या है, जैसे कहीं आप धार्मिक पुराण उठाओ, तो कोई भी धार्मिक पुराण उठाओगे, पहले गीता उठा लो, पुराण उठा लो, बाइबल उठा लो, तो उसमें तो बहुत लिमिटेड वर्ड्स में पूरा सार बताए गए हैं। या आपने 10th क्लास में हिंदी पढ़ी होगी, तो हिंदी में जब कविता आई तो कविता का अनुवाद करना पड़ता है, क्योंकि कविता सीधी समझ आएगी नहीं, तो टीचर आपको अनुवाद करके बताता है कि इस श्लोक का मतलब ये है। यही ऐसी
ट्रेडिंग एंड क्लियर ऑफ बैलेंस शीट से पूरी बात नहीं समझ आएगी, तो इसीलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अनुवाद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनुवाद करना पड़ेगा। अनुवाद करने को क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटिंग। क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटिंग। उसके लिए दो तीन स्टेटमेंट बनती है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एक ऐसी फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आती है, रेशियो एनालिसिस भी होता है, ये सब 12th का पार्ट है। जो इंटरप्रेटिंग का काम है ये आप 12th में सीखेंगे, जो इंटरप्रेट करना है, ये जो ट्रेडिंग एंड पीएल को, ट्रेडिंग एंड पीएल को और बैलेंस शीट को आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, इसका अनुवाद करना पड़ेगा। और वो अनुवाद कौन कौन से तरीके से किया जा सकता है? रेशियो एनालिसिस के तरीके से और कैश फ्लो स्टेटमेंट के तरीके से, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आता है इसमें, और एक कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट भी आता है। टोटल में चार चीजें आती है, वो आपको ट्वेल्थ में पढ़नी है। अच्छा, इंटरप्रेट हो गया, अनुवाद हो गया, अनुवाद करने के बाद क्या करना है? अनुवाद करने के बाद आपको क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है? वही रिजल्ट जो आपका आया है। किसको करना है? हमें पहले पता था, एंड यूजर्स को। एंड यूजर्स हमारे कौन थे? बैंक एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, आपके शेयर होल्डर्स, आपके कस्टमर्स, गवर्नमेंट, ऐसे और भी है। तो ये सारे आपके एंड यूजर है, जिनको आपको ये जो आपने पूरे साल में कमाया गवाया, पहले उसको इंटरप्रेट करा, देन उसको आपने कम्युनिकेट कर दिया उन एंड यूजर्स को। पूरी अकाउंटिंग में बस यही करना होता है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखो। और यही अकाउंटिंग की प्रोसेस बनने की बात है, अकाउंटिंग की प्रोसेस में टोटल में 6 स्टेप है। अगर हमसे आपसे पूछता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या स्टेप करने होते हैं, सबसे पहला ये, सबसे नंबर वन ये आ गया, नंबर टू रिकॉर्डिंग, नंबर थ्री क्लासिफाइंग, नंबर फोर समराइजिंग, नंबर फाइव इंटरप्रेटिंग एंड नंबर सिक्स यही उसके स्टेप है। अकाउंटिंग का नाम था आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, इतना समझ आ गया कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड लास्ट में इंटरप्रेट करना है, बात करना है, एंड देन कम्युनिकेट करना है टू दी एंड यूजर्स। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई इतनी बात? कोई डाउट तो नहीं है?